बहुत सारा, बिकॉज आई थिंक इंडिया में से मुंबई का ही नहीं, हर जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो मेरे हिसाब से गर्मी गर्मी कह के कुछ फ़ायदा है नहीं. तो अपने आप को काम रखो, ठंडी चीज़ें लाइक पानी ठंडा पियो, वाटरमेलन खाओ, नींबू जूस पियो, तो सब अपने आप से ठीक है. कंसिडर मत करो कि बहुत सारी गर्मी है. नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ पर्सन, मेरे हिसाब से ये सारे लोगों को, सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए. मेहंदी का ही सीक्वेंस हो रहा है कि अभी मित्तल हाउस में हम मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने आए हैं. सुमन, संजना और लतिका, अपनी लाडो, जिसे मैं लाडो कहती हूँ, हम तीनों के हाथों में मेहंदी लग रही है. तो मेहंदी में बहुत सारी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो हम उसी की आज शूट कर रहे हैं. पिछले 2 दिन से एक्चुअली हम इसका शूट कर रहे हैं. ये भी कहना चाहूँगा कि छोटा जो पर्दा होता है, क्या जाता है कि छोटा पर्दा में वोमेन का ज़्यादा वैल्यू होता है, वोमेन कैरेक्टर होता है जैसे आप हो या कोई भी कैरेक्टर हो, जबकि बड़े पर्दे की बात करें तो वहाँ मैन वर्ल्ड होता है, तो कितना इस बात से प्राउड फील करती हैं और कितना स्पेस आपको मिलता है अपने को प्रूव करने का? वेल, आपने जो चीज़ कही वो कहीं मायने में सही भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इट्स डिपेंड ऑन स्टोरी. अगर आपकी स्टोरी डिमांड करती है कि वो वुमेन ओरिएंटेड हो, तो डेफिनेटली उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो मिलेगी. अगर आपकी स्टोरी मेल ओरिएंटेड है, तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी. तो इट्स नॉट अपॉन डिपेंड ऑन सीरियल या फिल्म. अगर ऐसा चीज़ होता तो क्वींस भी आई थी, जो कंगना रनावत के ऊपर थी, वो वुमेन ओरिएंटेड फिल्म थी. देन जब भी मैट की बात करूँ, तो वो पूरी की पूरी करीना कपूर के ऊपर थी. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्मों में मेल ओरिएंटेड होते हैं या सीरियल सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड होती है. इट्स अ मिक्स पैकेज. जहाँ स्टोरी की डिमांड है, वहाँ उस चीज़ की तलक्की की जाती है. टेलीविजन मीडिया में कुछ एक्टर्स ने अपना कुछ अपना प्रूफ, जैसे का फिल्म की बात कर लें तो अली नॉट ले सकते हैं एनी बॉलीवुड एक्टर, तो ये बात मतलब पहले क्या होता था कि जो लोग आते थे उनको फिल्मों में काम करना होता था, आज के दौर में ऐसा कुछ सोच रहा है कहीं नहीं किसी की, तो क्या कहना चाहेंगे टेलीविजन मीडियम कितना बड़ा उभरा है एज अ पावरफुल मीडियम? मेरे हिसाब से एज एन एक्टर, आप अपने आप को किसी भी बाउंडेशन में मत रखिए कि इफ़ आई एम अ टेलीविजन एक्टर तो मैं फिल्म्स नहीं करूँगी, या मैं फिल्म एक्टर हूँ तो मैं टेलीविज़न नहीं करूँगी. बिकॉज़ मेरे हिसाब से सारी ही चीज़ें अपने दायरे में बहुत ही हद तक फेमस है. आज बहुत सारे फिल्म एक्टर भी टेलीविज़न कर रहे हैं, और बहुत सारे टेलीविज़न एक्टर अच्छी अच्छी फिल्म्स कर रहे हैं, और वहाँ पर भी जाके उन्होंने उतनी ही शोहरत बटोरी है जो उन्होंने सीरियल्स में बटोरी थी. तो इट्स मेरे ख्याल से वो सारा चीज़ सेम ही है. सो इट डिपेंड ऑन हाउ यू वर्क टूवर्ड्स आपके प्रोजेक्ट के ऊपर. ये भी मैं चाहूँगा कि इंडस्ट्री जो है फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत सेकुलर प्लेस है, हर धर्म जाति के लोग काम करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पंजाबी, लेकिन अभी आपने सुना होगा सोनी सोनू निगम पर जो कंट्रोवर्सी है, उन्होंने अजान को लेकर कहा कि उनको तकलीफ होती है, क्या कहना चाहेंगे ये सही था रिस्पॉन्सिबल था? मैं बस इस मामले में ये कहूँगी कि सही गलत कहने वाले हम कोई नहीं होते. हर एक इंसान का परसेप्शन होता है, किसी को वो चीज़ अच्छी लगती है, किसी को वो चीज़ बुरी लगती है. तो उन्होंने मेरे ख्याल से अपना एक अपनी एक राय दी है, और उनके उन एक्शन पे बहुत लोगों के रिएक्शन हो गए, किसी के रिएक्शन पे उनकी वो एक्शन हो गई. तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो किस चीज़ को लेके क्या सोचता है. तो बेहतर यही है कि हम वी इंडियंस, इसीलिए हम जाने जाते हैं कि हम इतनी कम्युनिटी हमारी इंडिया में है, जिसके मतलब जिनके नाम तक किसी और देशों में पता नहीं होंगे. सब अगर सब मिल बांट के रह रहे, खुशी से रहिए, अच्छे से रहिए, और सबकी अपने अपने पर्सपेक्शन को रिस्पेक्ट दीजिए. सिंपल. नहीं, मैंने इससे पहले भी काफ़ी शोज़ किए हैं, लेकिन काली एक पुनर्अवतार जो स्टार्टर्स के लिए था, और आधे अधूरे फॉर जिंदगी चैनल के लिए था, इन दो शो से मुझे काफ़ी काफ़ी प्रोजेक्ट वो अच्छे थे, और काफ़ी अच्छा चैलेंजिंग कैरेक्टर था, तो काम करने के लिए मज़ा भी आया. और वो उससे मैं कहूँगी कि सोनाली निकम को पहचान मिली. तो पहचान जो आप लोग कह रहे हैं सेलिब्रिटी स्टेटस के आगे में कितना अच्छा लगता है जब आपको कोई आके बोलता है कि हाँ आपके कैरेक्टर प्ले करते हैं या तारीफ करता हो जरूर, तो किस तरह की फीलिंग्स आती है? बहुत अच्छा लगता है आपको, मतलब तब आपको रिवॉर्ड, मुझे तो ऐसा रिवॉर्ड्स मिले हैं मेरे काम के, वो लगता है. बिकॉज जो मेहनत आप कर रहे हो, एंड ऑफ द डे आप अपनी ऑडियंस के लिए कर रहे हो, एंड ऑफ द डे आप अपने मेकर्स के लिए कर रहे हो. अगर वो चीज़ें कंसिडर करके अगर आपकी तारीफ होती है उस काम की, उस चीज़ों की, उन चीज़ों की, तो आपको लगता है कि यस, आपने जो मेहनत की थी वो कामयाब हुई. तो बहुत अच्छा लगता है.